शास्त्री जी कहते थे जय जवान जय किसान, और आज कांग्रेस पार्टी का नारा है मर जवान मर किसान। जवान की हत्या हो रही है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 26 मार्च 2014 को नरेंद्र मोदी ने दोपहर 3:45 बजे ट्वीट किया था। बस फर्क इतना है कि उस समय तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, यानी जिन किसानों को चुनावी मुद्दा बनाकर पीएम सत्ता के शिखर तक पहुंच गए, आज उन्हीं किसानों को सड़कों पर यातनाएं दी जा रही हैं। जिन किसानों की इनकम 2022 तक दोगुनी करने का वादा किया गया था, आज वही किसान पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। जिन किसानों को अच्छे दिनों के सपने दिखाए गए थे, आज वही किसान वाटर कैनन की तेज धार से पीछे धकेले जा रहे हैं। जय भीम, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। पंजाब और हरियाणा से आने वाले हजारों किसानों को रोकने के लिए पूरा का पूरा तंत्र लगा हुआ है। अपने ही देश की राजधानी में दाखिल होने के लिए किसानों को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। सोनीपत में पुलिस ने सड़क को खोद दिया ताकि किसान अपना ट्रैक्टर लेकर आगे ना निकल पाए, लेकिन धरती का सीना फाड़कर अन्न का दाना उपजाने वाला अन्नदाता पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज सोनीपत में सुबह की पहली किरण के साथ ही किसानों पर बर्बरता की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सोनीपत की तरफ से दिल्ली में दाखिल होने वाले सिंगू बॉर्डर पर गृह मंत्रालय यानी अमित शाह के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। भारी संख्या में पुलिस वाले लाठियां लेकर खड़े हुए हैं। पुलिस किसानों को कोविड-19 की दुहाई दे रही है, लेकिन किसान पूछ रहे हैं कि बिहार में सरकार बनाते वक्त कोरोना कहां चला गया था। कुल मिलाकर किसान कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच को निकले किसान पीछे हटने के मूड में नहीं हैं, लेकिन सरकार भी कहां झुकने वाली है। किसान आंदोलन में आपको गोदी मीडिया की बेशर्मी भी देखने को खूब मिलेगी। तलवे चाटने वाली मीडिया ने किसानों के संघर्ष को देश विरोधी साबित करने का बीड़ा उठा लिया है। गोदी मीडिया कह रही है कि किसानों को खालिस्तानियों ने मोहरा बना रखा है। मतलब ये तो हद ही हो गई। पंजाबी किसान खालिस्तानी हो गए, सारे मुसलमान आतंकवादी हो गए, पढ़ा लिखा हिंदू देशद्रोही हो गया, पढ़ी लिखी महिला कम्युनिस्ट हो गई, दलित और आदिवासी नक्सली हो गए, लेकिन मूर्ख नफरती दंगाई और मॉब लिंचिंग करने वाले लोग देशभक्त हो गए। देश का चौथा खंबा प्राइवेट लिमिटेड इस देश का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। सवाल सत्ता से पूछा जाना चाहिए कि क्यों किसानों पर इतनी बर्बरता की जा रही है, क्यों देश का अन्नदाता आज लाठियां खा रहा है। क्या किसानों की समस्या को नहीं सुना जाना चाहिए? क्या एक लोकतांत्रिक मुल्क में सरकारों की इस जिम्मेदारी नहीं है कि वो देश के अन्नदाता की बात सुने? जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले नेता आखिर क्यों इतने निष्ठुर हो गए हैं? किसान आंदोलन से जुड़ी और भी अहम खबरों के लिए आप देखते रहें द शूद्र। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर लाइक करें। इसके अलावा आप हमें Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं हूँ सुमित चौहान और कैमरे के पीछे मेरी सहयोगी अजरा परवीन। जय भीम, जय भारत।